Hello, everybody. So, I want everybody to do this. Who's trained? अलग-अलग साइज़ेस हैं। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी पुल अप कर लेते हैं। हैशटैग आई ट्रेन लाइक विद्युत जामवाल करिए। चाहे आपको ईंट यूज करनी है, पत्थर यूज करने हैं। दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स। यू डोंट नीड टू बी इन अ जिम। इसे हिंदी में अनंतता बोलते हैं, इन्फिनिटी। इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ, जीवन की अनंतता, क्योंकि हम लोग इसको इन्फिनिटी के साइन में करते हैं, पूरे शरीर के आसपास इन्फिनिटी लाते हैं। चाइनीज इसे द कप मूवमेंट भी कहते हैं, स्पाइरल भी कहा जाता है। जब कलवरी पाइट चाइना गया था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू फाइट वॉज टू बी एबल टू डू दिस मूवमेंट। द चाइनीज हैव बीन डूइंग इट वेरी वेल। आई वुड लाइक यू टू फॉलो इट। साइजेस अलग अलग रख सकते हैं। ये आपकी रोटेटर कफ, आपकी शोल्डर्स, आपकी एल्बो, और अगर आपके शोल्डर्स में स्ट्रेंथ है और आपने ये किया है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है इसके अंदर पानी डालिए, कप्स के अंदर चाय डालिए, जो मर्जी डालिए, और स्ट्रेंथ के बाद आपको संयम, दैट इज कंट्रोल, लाना सीखना पड़ेगा। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इट। अनंतता करिए। ट्रिक ये है इम्पोर्टेंट, इसको पकड़ेंगे नहीं, बैलेंस पकड़ने से नहीं, संभलने से आएगा। पानी की एक ड्रॉप नहीं गिरनी चाहिए, कप नहीं गिरना चाहिए। जरूरी है शोल्डर मोबिलिटी। A lot of people are injured before doing a pull-up. Aapki shoulder, because the shoulder joint is the joint which is the most mobile joint. Sabse zyada directions mein isi ka istemal kiya jata hai. Bachchon ke liye ye bahut zaruri hai. Aap unko kuch dijiye, concentration, balance, aur yahi tarika hai jisse fight aadmi seekhta hai. Fighting means aapko koi kahin se bhi pakad leta hai, aapki body mein wo chanchalta aa jati hai. इसका सिंपल ये है, आपको ये अंदर घुमाना है छोटी उंगली की तरफ, सर के ऊपर से अंदर। हैशटैग आई ट्रेन लाइक विद्यु जामवाल, द मैसेजेस आई बीन गेटिंग, द पुश अप, ओ माय गॉड, थैंक यू गाइस, आई वाज सो प्राउड। लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के किए। इसकी मूवमेंट ये है, बड़ा स्पाइनल रोटेशन, छोटा आपकी रिस्ट, एल्बो, शोल्डर। मसल्स होती हैं, बहुत सुनता हूँ मैं इंजरीज हो गई हैं। टू बी एबल टू मेक देम फ्लेक्सिबल वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे एक बोन होती है जिसे बोलते हैं ह्यूमरस। सुना होगा जब कोना लगता है तो बोलते हैं अरे आई हिट माई फनी बोन। वाई इट्स कॉल्ड फनी? द पेन इज नॉट फनी एट ऑल, बट the bone is called humerus, hence it's called funny bone. So ye sab cheeze active karna bahut zaruri hai. Now post whatever you can do it with a brick, stone, vessel, hashtag train like Vidhi Jamwal, and I will tell you what I think. Aaj main un logon ke liye aaya hu jinko lagta hai ki push up bahut, pull up bahut mushkil hai,
कोई चीज मुश्किल नहीं है, आप समझ के करेंगे तो सब हो जाएगा. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द बेसिक फंडा क्या है पुलअप का, कि हमारी यहां पे जो मसल्स हैं उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू फोरआर्म एंड बाइसेप. इसीलिए ज्यादा लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो बिना सोचे लगे रहते हैं. सो सबसे पहले हम एक टावल को पास से पकड़ेंगे, अपने घर के दरवाजे पर लगा लीजिए. चिन अप करने से कुछ नहीं होता है, आप 20 करिए, 50 करिए, सेम इज द केस विद पुशअप्स. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर यूजिंग दोज मसल्स. इफ यू आर यूजिंग दोज मसल्स योर बॉडी विल बी स्ट्रॉन्ग. इट्स नॉट अबाउट 50 पुशअप्स, 20 पुशअप्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट. अगर आप चिन अप नहीं भी करते हैं आपकी बॉडी बहुत फर्म हो सकती है. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स स्पेशली वेमेन हु कंप्लेन दैट दे हैव लिटिल फैट ओवर हियर और मास एक्यूमुलेशन ओवर हियर. यू डोंट नीड टू डू अ चिन अप चिन अप चिन अप. यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस, यू विल सी यू विल गेट फ्लेक्सिबल, यू विल गेट स्ट्रॉन्ग एंड टोन. नंबर वन, टावल बांधिए दरवाजे पे, पास से पकड़िए, बॉडी को पीछे करिए, एक्टिवेट करिए. ये एवरीथिंग शुड बी टाइट. पास से पकड़िए और खींचिए. सो द मसल्स दैट यू हैव टू यूज इज द ओनली थिंग यू यूज टू मेक इट अ बिट डिफिकल्ट. टावल के एंड पे जाइए. सो दीज आर द मसल्स दैट हेल्प यू डू अ पुल अप. इफ यू आर वेरी good with this, you can just hold it with one hand, hold it with one hand. All right, now this is for all my girlfriends, lady friends, women. This is one muscle that everybody is concerned about. Sabko lagta hai ki mere yahan pe thoda flab aa gaya, thoda fat aa gaya. चिन अप होता नहीं है, सो वो मसल होती नहीं है. लाइक आई सेड, चिन अप इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ यू कैन डू इट, वेरी गुड, इट इज अ स्किल, बट यू नीड टू गेट द मसल्स एक्टिवेटेड. दिस एवरीबडी शुड ट्राई. जमीन पे एक बैग रखिए. व्हाट वी डू इज इट्स अ पुल अप जिसमें सारा आपके पुल अप की शरीर की क्षमता लगती है, बट दिस वर्क्स प्राइमरली ऑन द primarily on the muscles that you use for a pull-up and the muscles which need to be toned जो नॉर्मली हम लोग करते नहीं है. सो आप अपने पेट के नीचे कोई कपड़ा है कुछ रख लीजिए, वुडन फ्लोर है तो बहुत अच्छा है. यहां पे हाथ रखिए और उसके बाद अपनी पूरी बॉडी के शरीर से, बैक की क्षमता से इसको खींचिए. दिस इज अ पुल-अप. ये वो हर मसल यूज करता है. थोड़ा मुश्किल करना है तो आपको फोल्ड करनी पड़ेगी लेग्स, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टू बी एबल टू डू अ पुल अप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट फैट कन्वर्टेड इनटू मसल्स. अब मैं आपको बताता हूं कि घर में कोई भी दरवाजा लाइए, यू विल हैव टू लॉक इट अप सो दैट दरवाजा फिसले ना, टूटे ना, गिरे ना. थोड़ा स्टडी होना चाहिए. उसको स्टेबल करिए किसी भी तरीके से. फुल पुल अप नहीं करना, हमें हर चीज एक दिन में नहीं करनी होती. सो व्हाट यू हैव टू डू इज हैंड. There's a thing called the Palmer effect, P-A-L-M-E-R. दो से तीन महीने का जो बच्चा होता है वो आराम से ग्रिप पकड़ लेता है. अगर आप देखेंगे सिर्फ दो या तीन महीने के बच्चे को सिर्फ उंगलियां दीजिए और ऐसे करके उठाइए, he will not fall. This gripping is in our system, in our DNA. हमने ये बंदरों से देखा है, क्योंकि जो बंदर का बच्चा होता है वो पैदा होने के बाद अपनी माँ के साथ चिपक जाता है. ये हम ह्यूमन्स में भी होता है. लैक ऑफ प्रैक्टिस से ये क्षमता चले जाती है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज प्रैक्टिस अ ग्रिप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट.
थोड़ा एक टावर लाइए ताकि आपके हाथ में दर्द ना हो, प्रैक्टिस हो जाए आपको। लगाइए, दरवाजा चेक कर लीजिए। आई एम ट्रेन्ड सो इफ इट मूव्स नो प्रॉब्लम, बट फुल पुलअप नहीं करेंगे हम लोग, लटकेंगे छोड़ेंगे। मैंने अपने पुशअप वेरिएशन में आपको दिखाया था हाउ टू यूज द स्कैपुला टू गो अप, गो डाउन, अप 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 अप। अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है, आप पांव का सपोर्ट ले सकते हैं दरवाजे से। ये है पुलअप की मसल, सारी यूज हो रही है। जब स्ट्रांग हो जाएंगी सब आराम से पुलअप कर लेंगे। ओके गाइस, आई लव यू एंड सेंड मी योर वीडियोज, हैशटैग मी, शो मी व्हाट यू कैन डू विद योर रिस्ट एंड एवरीथिंग। और जाने से पहले एक टेबल पुलअप है, सॉरी डोर पुलअप है, एक हम यहां पे करते हैं। आपको ये टेबल ले लीजिए घर में, स्टडी टेबल या कोई भी टेबल हो जिसमें तो टूटे ना। दिस इज फॉर पीपल हु नेवर डन अ पुलअप, हु वांट टू डू अ पुलअप, और दे डोंट हैव टू डू इट। टेबल के नीचे जाइए, टेबल पर वेट रख सकते हैं आप, लेट जाइए। उसके बाद जो मैंने दीवार के दरवाजे से आप बताया है, मैक्सिमम मसल यूज इज माय बैक, लेग्स भी फोल्ड कर सकते हैं आप, चेस्ट। आप ये भी कर रहे हैं तो आप पुल अप कर सकते हैं। सो वी कम टू एन एंड ऑफ अ पुल अप सेक्शन, द शोल्डर मोबिलिटी। I love you guys. Thank you for all the messages that you've been sending. I am so proud of everybody who's been able to do something or something more. Love you guys. I'll see you soon. This will be uploaded now.